वेलकम टू आवर चैनल करियर अचीवर्स। इन द सीरीज ऑफ जावा ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इफ इल्स इफ स्टेटमेंट इन दिस वीडियो। आज हम लोग जावा के इस ट्यूटोरियल में बात करने वाले हैं इफ इल्स इफ स्टेटमेंट के बारे में। तो अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं जो आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है जो है इफ इल्स इफ स्टेटमेंट। इससे पहले ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इतना भी कंडीशनल स्टेटमेंट का वीडियो है वो आप जरूर से जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको इफ इल्स इफ स्टेटमेंट समझ में आएगा। क्योंकि जो अगर हम गौर से देखें तो ये जो इफ इल्स इफ स्टेटमेंट है मुख्यतः तीन बातों से बना हुआ है। जो पहला है वो है कि ये पहला इफ से कंस्टिट्यूएंट है, और जो इसका सेकेंड कंस्टिट्यूएंट है वो है इफ इल्स, और जो थर्ड हम पढ़ रहे हैं वो है इफ इल्स इफ का स्टेटमेंट। तो इससे पहले आप इफ इल्स और इफ का वीडियो जरूर से जरूर देखें। तो चलिए हम अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा तो आज का इफ 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 इल्स इफ का जो डिफिनेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। तो द इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप डाउन। ये जो द इफ स्टेटमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? टॉप डाउन से स्टार्ट होता है, यानी ऊपर से लेके नीचे आता है। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो है कि द इफ कंडीशन इज ट्रू द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ दैट इफ इज एग्जीक्यूटेड एंड द रिजल्ट ऑफ रेस्ट इज बाईपास्ड। और ये बोल रहा है कि जो भी हमारा इफ कंडीशन होगा वो कब ट्रू होगा? जब अगर हमारा इफ कंडीशन ट्रू हो गया तो क्या होगा कि जो भी हमारा स्टेटमेंट है कंडीशन के बाद जो भी हमने स्टेटमेंट लिखा है वो क्या होगा? एक्सक्यूट हो जाएगा। और जितना भी बात है जितना भी बाद में जो लैडर है, लैडर कहने का मतलब है जितना भी हमने बाद में इल्स या इफ का प्रयोग किया है वो बाईपास्ट हो जाएगा, उसको एक्सक्यूट नहीं करेगा, उसको ऐसे ही बाईपास्ट कर देगा। इफ नन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू देन द फाइनल इल्स स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर हमारा कोई भी कंडीशन, अगर हमारा इफ का कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा? जो हमारा इल्स का स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि अगर इफ इल्स रहेगा तो क्या होगा, अगर इफ का कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो जो इल्स रहेगा हमारा वो ट्रू हो जाएगा। तो जो हमारा इफ है वो क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो इल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। If there is no final is and all other conditions are false, then no action will be taken place. अगर हमारा कोई भी if condition, जितना भी हमने statement में if condition put किया था, अगर वो भी false हो जाता है और जितना भी मैंने इस statement दिया था वो भी false हो गया तो क्या करेंगे? इस condition में क्या होता है? Program execute नहीं होता है। The final is act as a default condition. जो हमारा सबसे लास्ट में जो इल्स होता है, जो हमारा सबसे लास्ट में जो फाइनल इल्स बचता है वो क्या करेगा? डिफॉल्ट कंडीशन के रूप में वहां पर वर्क करेगा। डिफॉल्ट कंडीशन क्या कहते हैं? डिफॉल्ट कंडीशन उस कंडीशन को कहते हैं कि जब हम मेरा कोई भी आउटपुट, अगर कोई भी कंडीशन अगर मेरा सक्सेस नहीं किया, रन नहीं किया, अगर ट्रू नहीं हुआ तो जो हमारा लास्टली जो हमारा इफ जो इल्स का स्टेटमेंट बचेगा, इल्स का जो कंडीशन बचेगा वो ही रन करेगा। अब हम सिंटेक्स के बारे में बात करेंगे कि इसका सिंटेक्स कैसा होता है। तो जो हमारा इसका सिंटेक्स होता है इफ कंडीशन का, इफ 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 इल्स इफ का, वो जस्ट लाइक इफ कंडीशन ही होता है। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो इल्स का कंडीशन होता है, चाहे कंडीशन उसके पास फर्स्ट वो उस कंडीशन डालना होता है, चाहे वो इफ का हो, चाहे इफ इल्स का हो, चाहे कोई किसी का भी हो, उसमें पहले अगर आप कंट्रोल स्टेटमेंट में कंडीशन डालना मस्ट है, क्योंकि कंट्रोल स्टेटमेंट में कंडीशन ही सेंटेंस को कंट्रोल करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इफ स्टेटमेंट में कंडीशन डाल दिए, कंडीशन अगर हमारा ट्रू रहेगा तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स नहीं होगा तो जो हमारा इल्स है वो स्टेटमेंट रन करेगा। उसके बाद आपको जितना इच्छा है उतना इल्स इफ आप लगा सकते हैं। इल्स इफ लगाने के बाद आपको लास्टली में इल्स स्टेटमेंट देना होगा, जो हमारा जो इल्स स्टेटमेंट होगा वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट डिफॉल्ट स्टेटमेंट के रूप में, डिफॉल्ट कंडीशन के रूप में रन करेगा। अब आपने
इसका सिंटेक्स देख लिया। अब हम आपको एक डायग्रामेटिकली व्यू से फ्लो चार्ट के व्यू से फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको इफ इस इफ स्टेटमेंट बताएंगे कि उसमें क्या होता है कि कंडीशन रहता है। और कंडीशन इसमें अगर आप देखते हो कि आप जितना मन उतना हमने बोला कि आप जितना आपको जितनी इच्छा है उतना आप इफ इन सिर्फ लगा सकते हैं। तो हमने एक दो कंडीशन लिया और लास्टली एन कंडीशन लिया कि आपको जितना इच्छा है उतना आप कंडीशन इन सिर्फ करके लगा सकते हैं। उसके बाद सबका कुछ ना कुछ सर्टेन आउटपुट आएगा। तो अगर आउट कंडीशन वन का आउटपुट टू रहा तो स्टेटमेंट जो हमारा है वो एक्सक्यूट होगा। अगर फॉल्स हुआ कंडीशन टू पर चला जाएगा। कंडीशन टू पर जाने के बाद क्या होगा, कंडीशन टू पर कब जाएगा, जब हमारा कंडीशन वन फॉल्स होगा। जब कंडीशन टू पर आ गया तो अगर कंडीशन ट्रू हो गया, हमारा जो कंडीशन टू है वो ट्रू हो गया, सपोज कीजिए, जब ट्रू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारा स्टेटमेंट टू है जो कंडीशन टू का है वो एक्सक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर कंडीशन टू फॉल्स हो गया तो क्या होगा, अगर कंडीशन टू फॉल्स हुआ तो जो अगला कंडीशन है उसका आ जाएगा। अगर वो कंडीशन ट्रू हुआ तो उसका जो स्टेटमेंट है वो एक्सक्यूट हो जाएगा। अगर नहीं वो भी फॉल्स हो गया तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो जो लास्ट इफ, ये जो लास्ट हमारा कोई भी अगर हमारा कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो जो लास्ट हमारा इफ स्टेटमेंट है वो एक्सक्यूट हो जाएगा, जो डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंडीशन के रूप में उपयोग होता है। और लास्टली जब हम देखेंगे तो हमारा जो होगा वो सर्टेन आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। अब हम देखेंगे कि कैसे एक जो जावा में प्रोग्राम को कैसे किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ इफ इज इफ स्टेटमेंट। एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जावा प्रोग्राम, अबाउट ग्रेडिंग सिस्टम व्हिच यू कैन सी इन योर रिपोर्ट कार्ड और एग्जामिनेशन मार्क्स दैट एवरी सब्जेक्ट हैड अ स्पेसिफिक ग्रेड। सो हाउ दिस ग्रेडिंग मार्क्स विल बी पुटेड इन बाय द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्राम। सो मूव अप फॉरवर्ड अबाउट द प्रोग्रामिंग सेंस and we are going to use if else if statement in this video of java tutorial. so ab hum aage badhte hain, ab hum dekhte hain ki ek aapne dekh rahe ho ki aap hum maine ek number liya, ye number 67 hai, uske baad hum kya karte hain, uske baad ek hum ek isme if condition apply karenge ki if kya hona chahiye, 90 se greater hona chahiye, agar 90 se greater hua hoga to kya hona chahiye, hamara jo रिजल्ट आएगा क्या आना चाहिए, एक्सीलेंट आना चाहिए। जो हमारा जो ग्रेडिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट प्रिंट होना चाहिए। अगर 90 से एवं नहीं रहा, अगर वो 80 के बीच में रहा, 80 रहा या और 80 से एवं रहा तो क्या होगा, अगर 80 से एवं रहा या 80 रहा तो हमारा क्या होना चाहिए, जो वेरी गुड होना चाहिए। अगर नहीं, अगर वो भी नहीं होगा तो हमें इल्स, तो हमारा जो इल्स कंडीशन है वो होना चाहिए। अगर आप इल्स के बाद जो अगर कुछ कंडीशन लिखते हैं तो क्या होता है, हमने यहाँ पर इल्स के बाद कोई कंडीशन नहीं लगाया, क्योंकि अगर हमारा प्रोग्राम यहाँ पर इफ रन नहीं करेगा तो इल्स पर आएगा और इल्स जो भी आएगा वो रन कर जाएगा। तो इल्स पर आपको इच्छा, अगर आप कुछ यहाँ पर लिखेंगे दो आउटपुट आ जाएगा। अगर आपका वो फर्स्ट जो है वो अगर ट्रू हो गया तो आपका दो आउटपुट आएगा, अगर नहीं तो अगर आप यहाँ पर इस ब्लैंक छोड़ देंगे तो एक ही आउटपुट आएगा। उसके बाद जो लास्टली जो हमारा इल्स है जो डिफॉल्ट के रूप में काम करेगा उस पर उसको ऐसे ही रहने देते हैं और एक और कंडीशन अप्लाई करते हैं कि अगर 17 से एवव रहा तो गुड होना चाहिए, नहीं तो जो हमारा जो भी रहेगा लास्टली जो हमारा इल्स है वो इधर आना चाहिए। अब जितना भी हमने ब्रैकेट पैरेंथेसिस यूज किया था वो बंद करके प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। प्रोग्राम रन करके देखेंगे, आप लोग देख रहेंगे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो इरर आया। इरर इसलिए आया क्योंकि जो हमने मार्क्स पुट किया था वो 67 है और हमने 80 तक ही 70 तक ही दिया था। तो सपोज कीजिए ये जो मार्क्स है उसको हम कर देते हैं 97 करेंगे तो देखिए क्या आता है, 97 करेंगे तो एक्सीलेंट आना चाहिए। तो वो हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना प्रॉब्लम शेयर कीजिएगा।